वेलकम टू रेस कोर्स अकेडमी। मेरा नाम है आरवी। तो अज आप डिस्कस करेंगे सिंपलीफिकेशन का नैक्सट पार्ट, पार्ट नंबर 4। तो इस तो पहला 3 पार्ट तुम देख चुके हो, जो नहीं देखे तो वो डिस्क्रिप्शन के लिंक पिंग किया हो, तुम उन्होंने देख सकते हो। ठीक है, अज के पार्ट के आप करेंगे कुछ एलजबरा के कुछ क्वेश्चन आते हैं जो कि सिंपलीफिकेशन से आप कवर कर लेंगे। बेसिक बेसिक ज़्यादा डीप नहीं आप जावे एलजबरे, बेसिक जो आइडेंटिटी बेस्ड है। ठीक है जी, तो आप स्टार्ट करते हैं। अच जिमें आप पूछा जाता है कि एक्स प्लस 1/x की वैल्यू मान लो ए है, तो आपको पूछ लिया जाता है एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू फाइंड करो। तो सिंपल की है, यदि आप आइडेंटिटी लावे ए प्लस बी का होल स्क्वेयर, तो राइट हैंड साइड पर भी यदा स्क्वेयर करा तो यह आजगा आइडेंटिटी ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 × a × b। एक्स नाइन एक्स कैंसल हो जूगा, तो ये जरा 2 है इधर आके माइनस का हो जूगा, तो ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर की वैल्यू की आ गई ए स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, तुम यार डायरेक्टली बस मैं रिजल्ट थोड़ा दस दूंगा, नोट डाउन कर लो, तुम रिजल्ट ही याद रखनी है। ठीक है, ये आया किमें मैं तुम्हें दसता, बट फाइनली पेपर के क्योंकि पेपर तुम्हें पता है कि टाइम अपने को लिमिटेड होंगे, तो आप ज़्यादा टाइम नहीं कंज्यूम करना, तो आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स पता हो। ठीक है, इन्हें मैं रेज कर रहा हूँ, तो सिंपली मान लो आपको एक्स प्लस 1/x की वैल्यू जी आपको गिवन है ए। ठीक है, तो आप एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू की आओगी फिर ए स्क्वेयर माइनस 2। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू भी करेंगे, एक बार तुम सिर्फ रिजल्ट्स लिख लो जो जो मैं लिखा रहा। जी आपको एक्स माइनस 1/x की वैल्यू दी हुई है ए, तो फिर एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू पूछिए तो वह की होगी ए स्क्वेयर प्लस 2। ठीक है, ऊपर वाले केस की है माइनस 2, एच की है प्लस 2। क्यों? क्योंकि जो आप ए माइनस बी का होल स्क्वेयर करेंगे तो वो जो माइनस का 2ab है वो माइनस 2 है, इधर आके प्लस होगा। ठीक है, हूँ यदा उल्टा भी देख लो, जे आपू एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू गिवन है, सपोज करो पी गिवन है, तो पूछे आपू है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू, तो आप किया इतने माइनस किया ना 2, तो आप करेंगे वो 2 प्लस करके वह स्क्वेयर रूट। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आप करेंगे हम डिस्कस, एक बार तुम इन नोट डाउन कर लो एज इट इज। तो जे एक्स स्क्वेयर प्लस 1/x² की वैल्यू आपू पी गिवन है, तो पूछे आपू है एक्स माइनस 1/x की वैल्यू, तो आप करना है पी चो 2 माइनस करके वह स्क्वेयर रूट कर देना। ठीक है, नोट डाउन कर लो बस तुम। तो जे अपन गिवन है एक्स प्लस 1/x की वैल्यू पी गिवन है, तो अपन पूछा की गया है एक्स माइनस 1/x की वैल्यू। ठीक है, तो वह की आऊगी वो मैं इतने लिख देना, उधर रिजल्ट ही याद रखना है तुसी। जो अपन एक्स प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है उधर स्क्वेयर करके माइनस 4, तो ओवरऑल दा सारे दा की है स्क्वेयर रूट। ठीक है, इसी तरह ही एक्स माइनस 1/x की वैल्यू जी अपन पी गिवन है, तो पूछे अपन एक्स प्लस 1/x की वैल्यू है, तो वह की होगी जो अपन गिवन है उधर स्क्वेयर प्लस 4 ते होल द स्क्वेयर रूट। ठीक है, क्वेश्चन के थ्रू आप करेंगे, बस तुम नोट कर लो, जब जो आप क्वेश्चन करेंगे फिर थोड़ा क्लीयर हो जाएगा भी ये की है, भी इन्हों अप्लाई किमें करना है, एप्लीकेशन इन्हें नहीं दसूंगा मैं। फिर जे अपन एक्स प्लस 1/x की वैल्यू गिवन है ए गिवन है, अपन पूछे एक्स क्यूब प्लस 1/x³ की वैल्यू, तो वह की होगी आप इतने भी होल क्यूब ही करेंगे ना, ए प्लस बी का होल क्यूब, तो वह रिजल्ट की आऊगा ए क्यूब माइनस 3a। ठीक है, आ वाला रिजल्ट याद रखना। तो जे आप एक्स माइनस 1/x की वैल्यू ए गिवन है, तो आपको पूछा गया एक्स क्यूब माइनस 1/x³ की वैल्यू, तो वह की होगी ए क्यूब प्लस 3a। ठीक है जी, ये पॉज करके तुसी नोट कर लो ये सारे, क्योंकि आप जो आने वाले अगले क्वेश्चन है सारे इन्हों की एप्लीकेशन करनी है।
ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਥਡ ਯਾਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਵਰਬਲੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓਗੇ। ਜਿਵੇਂ x ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤਾਂ a ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ 3 ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2। ਤਾਂ 9 ਵਿੱਚੋਂ 2 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 7 ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ a ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯਾਦ ਕੀਤੇ ਆ ਤਾਂ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ 56, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 3, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ 1 ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਇਹ 'ਚੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ 3x, ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਨਰਲੀ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਤਾਂ 2x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਮਾਈਨਸ 1, ਅਤੇ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ ਮਾਈਨਸ 1 ਬਾਈ 2। ਤਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 1 ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ ਮਾਈਨਸ 1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਆਊਗਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਤਾਂ ਹਾਫ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 1 ਬਾਈ 4, 4 ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 5, ਅਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਪੋਨ ਐਕਸ ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਵਾਈਸ ਵਰਸਾ ਪੁੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਹੈ 2 ਮਾਈਨਸ ਹੋਏ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਫਿਰ 34 ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਉਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 6। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ x ਪਲੱਸ 1 ਪੋਨ x ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦੀ ਟਰਮ ਹੀ ਬਣੂਗੀ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ 2 ab ਦਾ 2 ਇਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ 36 ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ 34। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਵਰਟ ਕੀਤਾ ਉਹੀ ਵਾਲੇ ਸਟੈਪ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਸੀ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 34, ਤੇ ਆਪਾਂ ਦੱਸਣਾ ਸੀ x ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪਲੱਸ ਕੀਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 6 ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ, ਜੋ ਕੀ ਹੈ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਨ ਆਫ ਦੀਸ। ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ x ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ x। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ x, ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਪਲੱਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਛੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣਾ ਗਿਵਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਸ 4 ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ 2 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ 4 ਮਾਈਨਸ 4 0, ਤੇ 0 ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਆਪਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਯਾਦ ਹੈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ a ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ 6, ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4। ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਤੱਕ ਤਾਂ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤਾਂ 4 ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ 4 ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਫਿਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਦੀ ਪਾਵਰ a ਦੀ ਪਾਵਰ 4 'ਚ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜੂਗਾ ਨਾ ਇਹ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ 'ਚ ਬਦਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ, ਤਾਂ 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2, ਹੁਣ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 6 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 36, 36 'ਚੋਂ ਆਪਾਂ 2 ਘਟਾਏ ਤਾਂ 34। ਹੁਣ ਇਹ 34 ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਈ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਦੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ 34 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 11 56, ਤੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ 11 54 ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਅੱਗੇ 8 ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ 2 ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਪੈਟਰਨ ਇਹੀ ਲਾਉਣਾ ਵੀ ਏ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2, ਏ ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ 2 ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਲੱਸ ਦੀ ਫੋਰਮ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ x, ਇਹ ਹੈਗਾ 2, ਅਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4 ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਰੇਜ਼ ਟੂ ਪਾਵਰ 4, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ
फाइंड करेंगे कि एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू तो वह कितनी होगी हूँ टू स्क्वेयर प्लस टू मतलब सिक्स आ गया, एक्स स्क्वेयर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू आ गई छे। तो हूँ आप दसना है एक्स की पावर फोर तो आप एक बार फिर स्क्वेयर कर दें तो छे का स्क्वेयर माइनस टू आऊगा हूँ क्योंकि आप प्लस कर रहे हैं। ठीक है ये गल याद रखनी क्योंकि पहला आपको माइनस गिवन से आप प्लस कन्वर्ट किया करके इतने टू एड किया तो उस तो बाद आप प्लस में प्लस ही कन्वर्ट करना फिर तो फिर आप तो टू माइनस करा तो छत्ती आप दो घटाते तो आंसर कि आ गया 34। ठीक है जी डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया 61। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਅੰਡਰ ਰੂਟ 21 ਤੇ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਇਨਟੂ x ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ x ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ x ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਊਗਾ x ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ x ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 4। ਠੀਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰੂਟ 21 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਰੂਟ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤਾਂ 21 ਪਲੱਸ 4 ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 25 ਤੇ 25 ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ x ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 1 ਅਪੋਨ x ਸਕੁਅਰ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਊਗੀ ਹੁਣ ए स्क्वेयर माइनस टू तो पांच का स्क्वेयर माइनस दो मतलब तेई। ठीक है तो ये दोवें प्रोडक्ट के ही है तो तेई गुणा पांच अपना आंसर कितना आ गया 115। ठीक है जी हुण अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। एक्स रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स टू पावर 4 इज इक्वल टू 322 तो आप फाइंड की करना है एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स। ठीक है ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚ ਗਿਵਨ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 'ਚ ਰਿਵਰਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਚ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਰਿਵਰਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੱਸ 2 ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ 322 ਅਤੇ 2 ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ 324 ਅਤੇ 324 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 18। ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਐਕਸ ਮਾਈਨਸ 1 ਅਪੋਨ ਐਕਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਚੋ 2 ਮਾਈਨਸ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ 2 18 ਚੋਂ ਘਟਾ ਦੇ ਤਾਂ 16 16 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਰੂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 4 ਜੋ ਕਿ ਕੀ ਹੈ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਗਿਆ x + 1 / x = p ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ x³ + 1 / x³। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ a³ + b³ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ पी क्यूब माइनस 3p। ठीक है जी बी ऑप्शन अपना आंसर है। फिर भी मैं एक बार दस दिना कि जिमें वन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू अपन गिवन है वह हैगी है पी आप दोनों साइड क्यूब कर देंगे। ठीक है होल क्यूब होगा तो फिर इधर लैफ्ट हैंड साइड पर फॉर्मूला लग जूगा ए प्लस बी का होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है ये सामने आ गया इज इक्वल टू पी क्यूब तो एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू भी गिवन है पी इतें भी आप पी पुट कर देंगे तो इनू जो सॉल्व करांगे तो पी क्यूब आ 3 इंटू पी है जोड़ा यह इधर जाके माइनस का हो जाएगा 3p यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है जी तो नैक्सट क्वेश्चन है अपना 64। एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू 1 एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू आप फाइंड करनी है। ठीक है ये भी सिंपल की है यदि मैं थोनों वैल्यू दसी हुई है डायरैक्ट वो की होगी हूँ ए क्यूब प्लस 3a। ठीक है इतने एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हैगी 1 तो 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 यदा रिजल्ट की आ जाऊगा 4
जो कि की अपना डी ऑप्शन। ठीक है, तो अनुजे रिजल्ट से याद है ना, तो बड़ा इजीली 2-4 सेकंड से तुम इन सॉल्व कर दोगे, देख रहे थोड़े माइंड दे विच ये चीजें क्लिक कर जाएंगी। हुण अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है 65, ते इहदे विच की गिवन है, ए रेज टू पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए रेज टू पावर 4 दिता है 1154, ते आपां फाइंड करना है ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए क्यूब। तो इहदे लई की है, आपां पहले रिवर्स जावांगे, रिवर्स जाके आपां ए प्लस 1 अपॉन ए दी वैल्यू फाइंड करांगे। ठीक है, तो पहला आपां पहले स्टेप दे विच ए स्क्वेयर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो की आएगी इस 2 प्लस करके वह स्क्वेयर रूट, तो 1156 का स्क्वेयर रूट की होंगे 34। ठीक है, एक स्टैप होर बैक जावे तो फिर आप वैल्यू मिल जूगी ए प्लस 1 अपॉन ए की, तो इस 2 प्लस करके वह आप स्क्वेयर रूट करा तो 36 का स्क्वेयर रूट कितना होंगे 6। तो हूँ आप क्यूब वाला अपलाई कर देंगे, इतने जे ए प्लस 1 अपॉन ए की वैल्यू आपको पता है तो ए क्यूब प्लस 1 अपॉन ए दी ए क्यूब की वैल्यू कितनी होती है 6 का क्यूब माइनस 3 गुणा 6, 6 का क्यूब कितना 216, 216 चो आप जो 18 घटा दिए तो कितना आजूगा 198, जो कि अपना ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हैगी है 3, तो आप फाइंड करना है एक्स की पावर 6 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 6। ठीक है, तो हम 6 तुसी गौर करो किवें बनूगा, सपोज करो किसी भी नंबर की वैल्यू हैगी है स्क्वेयर, तो उस तो बाद जे मैं उसका क्यूब कर दिया तो ये अपना सर्ड इंडिसेस दे जे थोनू रूल पता है तो ये की होगा, मल्टीप्लाई होंगे तो ए की पावर 6 आ जाएगी, तो आप भी इस तरह ही करेंगे, पहले यहाँ स्क्वेयर कर लेंगे फिर वह क्यूब कर देंगे। तो स्क्वेयर का की मैथड से, यदा स्क्वेयर करके माइनस 2, तो 3 का स्क्वेयर करके जो 2 घटावे कि आजगा 7, फिर वह क्यूब करके ते 3 गुणा 7 माइनस कर देंगे। ठीक है, 7 का क्यूब कि 343, 343 चो आप 21 माइनस कर देंगे तो कि आजगा 322, जो कि ए ऑप्शन है। ठीक है, हम मैं डायरेक्टली करते क्योंकि आप काफ़ी बार कर चुके हैं, पहला आप स्क्वेयर की फाइंड की आ वैल्यू, मतलब ये वैल्यू इतने स्क्वेयर की आई है, फिर आप अगे फरदर क्यूब करता तो ये वैल्यू क्यूब की आ गई। ठीक है, जो स्क्वेयर का भी क्यूब करेंगे तो अपने को रिजल्ट आऊगा फिर 6 की फॉर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने को एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हैगी अपने को अंडर रूट 13, आप फाइंड करनी है एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। ठीक है जी, तो पहला आप करेंगे एक्स प्लस 1 अपॉन माइनस एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो आप किवें करेंगे अंडर रूट 13 का स्क्वेयर करके माइनस 4। ठीक है, अंडर रूट 13 का स्क्वेयर जो करेंगे तो रूट है जोड़ा कैंसल हो जाएगा, 13 चो 4 घटाए कि हो गया 9, तो एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कि आ गई 9 का, जो आप स्क्वेयर रूट करेंगे तो 3। हूँ आप क्यूब कढ़ना, तो ये तो सिंपल है 3 का क्यूब प्लस 3 गुणा 3, तो 3 का क्यूब कि हो गया 27, 27 के जो आप 9 जोड़ते तो किन्ने आ गए 36, जो कि है डी ऑप्शन। जे थानू ये कंसैप्ट याद है क्योंकि डायरैक्टली रिजल्ट ही याद करनी है, तो ही मैं थोड़ा कह रहा कि होर आप मतलब फिर ही आप फायदा लै पावे। हूँ अपना नैक्सट क्वेश्चन है 68, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हैगी 3, तो आप फाइंड करनी है एक्स की पावर 7 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 7। तो ये आप देखा हूँ, जे मान लो आप ए का क्यूब पता लग जाए तो ए की पावर 4 पता लग जाए, हूँ जे बेस सेम हो पावर की होनगियाँ ऐड। ठीक है, बट इस केस आप कंसैप्ट पहले समझते, पहले आप क्यूब की वैल्यू फाइंड करिए फिर स्क्वेयर की, स्क्वेयर दे भी स्क्वेयर की। ठीक है, तो पहले आप क्यूब की फाइंड करनी, क्यूब की वैल्यू जो फाइंड करेंगे ए क्यूब प्लस एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू, तो वह कितनी होगी 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू 3, तो 27 के आप 9 घटा देता 18, ये कि वैल्यू आ गई एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू। हूँ आप इतों ही पहला स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड कर दें, एक्स स्क्वेयर 1 अपॉन एक्स स्क्वेयर की वैल्यू वो कितनी होगी 3 का स्क्वेयर माइनस 2 मतलब 7। फिर आप जे एक्स की पावर 4 की वैल्यू फाइंड करनी है तो यह फिर फरदर आप स्क्वेयर कर देने, 7 का स्क्वेयर माइनस 2
ये कितना आ जाऊगा, 7 दा स्क्वेयर माइनस 2 47। ठीक है, हूँ अपने को एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 की वैल्यू कितनी आ गई, 47। ठीक है, हूँ एक लास्ट स्टेप है ये, आप इन दोनों नू मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इतने देखो इतने मैं थोड़ा दसिया ना, मतलब दो बेस सेम और मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर ऐड होंगी, दोनों आप मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 तो x³ प्लस 1 अपॉन x³। इन्हें जो मल्टीप्लाई करेंगे राइट हैंड साइड पर भी मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, हूँ इन आप मल्टीप्लाई करते हैं तो यह कितना आ जाऊगा, x⁻, क्योंकि पहला ये होगा मल्टीप्लाई फिर ये, फिर कितना आ जाऊगा x आ जाऊगा क्योंकि कट्टा जाऊगा उपर, फिर सैकेंड टाइम इतने भी कला x आ जाऊगा +1 अपॉन x⁷। ठीक है, हम इतने मल्टीप्लाई कर दें तो कि आ जाऊगा 846। ठीक है, 846 आ जाऊगा, तो x⁷ अपॉन x⁷ प्लस x+1 अपॉन x, बस आही नवी गल ऐड हुई है, तो 846 यदि वैल्यू कितनी है, ये दिती हुई है 3, तो 3 उधर जाके माइनस हो जाऊगा, 846 दे विचों आप 3 घटाता तो अपना रिजल्ट कि आ गया 843, जो कि की है बी ऑप्शन। ठीक है जी, ये सिंपल एक स्टेप ही नवा बने भी, पहला आप किया अपन एक्स की पावर 7 चाहिए सी, तो आप पहला इनू क्यूब च कन्वर्ट किया, ठीक है, जो कि 18 आ गया, फिर इनू 4 एक्स की पावर 4 च किया जो कि 47 आ गया। हूँ जो इन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक ऐड होगा x+1 अपॉन x। ठीक है, फिर आप इतने उ इन्होंने दोवों का प्रोडक्ट, तो राइट हैंड साइड पर भी इन्होंने दोवों का प्रोडक्ट आ गया 846, तो 3 उस जाके माइनस हो गया सिंपल, तो x⁷ 7 प्लस 1 अपॉन x⁷ की वैल्यू कितनी आ गई, 843। ठीक है, जो ना समझ लगे एक बार इनू फिर रिमाइंड करके चेक कर लो। हूँ नैक्सट क्वेश्चन है, ये की है x-1 अपॉन x की वैल्यू हैगी है 1, पूछा कि अपन प्लस दे विच x⁸ प्लस 1 अपॉन x⁸। तो आप ये तो शुरू तो ही अपन किया पहली स्लाइड ची, मैं ये फॉर्मूले लिखवाए थे, तो अपन जे x+1 अपॉन x की वैल्यू चाहिए तो जो गिवन है वह स्क्वेयर करके +4 करेंगे आप। ठीक है, जो गिवन की सी 1 1 का स्क्वेयर प्लस 4, तो x+1 अपॉन x की वैल्यू अपने को कितनी आ गई, √5। ठीक है, √5 आ गई, तो सब पहला आप स्क्वेयर करेंगे, फिर यह जो स्क्वेयर करेंगे तो -2 कि आ जाऊगा, स्क्वेयर करेंगे तो स्क्वेयर रूट कैंसल हो जाऊगा, 5 2 घटाए तो कि आ गया 3, तो यह आ गई x² प्लस 1 अपॉन x² की वैल्यू, यद फरदर स्क्वेयर करेंगे फिर आप जो दोबारा फिर स्क्वेयर करेंगे तो वह कि आ जाऊगा, 3 दा स्क्वेयर माइनस 2, यह कि वैल्यू आ जाऊगी x⁴ प्लस 1 अपॉन x⁴, ये कि आ जाऊगी 7, क्योंकि 9 चो आप 2 घटाए, हूँ आप 8 की वैल्यू चाहिए, आप फिर यदा फरदर अगे स्क्वेयर कर देंगे, तो 7 दा स्क्वेयर माइनस 2, 7 दा स्क्वेयर कि हो गया 49, 49 चो 2 घटाए तो 47, जो कि ए ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सी। हूँ नैक्सट क्वेश्चन आ गया अपने को, ए प्लस ए भी सिंपलीफिकेशन का पार्ट ही, मैं सिर्फ बेसिक बेसिक ही करवाऊंगा, क्योंकि है तो एलजबरी नाल ही मैच करते थोड़े बहुत, बट बेसिक कई बार आ जाते हैं तो एटलीस्ट अपन इन्ना क तो पता हो। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अपन गिवन है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू गिवन है, अपन पूछे कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC। ठीक है, इहदियां एक्सप्रैशन काफ़ी बन जांदियां, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC दियां। ठीक है, आप क्वेश्चन के थ्रू ही जान लेने। ठीक है, हुण इत्थे आपां नूं गिवन की है उहदे अकॉर्डिंग आपां नूं देखना पऊ, ए प्लस बी प्लस सी ते ए बी बी सी ते सी ए। ठीक है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3ABC की वैल्यू एक भी बनती है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वेयर माइनस 3ABBCCA। ठीक है, जस्ट आप इतने वैल्यू पुट करनी है तो 9 आ जाऊगा, पर पहला आप ब्रैकेट अंदरला सॉल्व करना, तो 9 दा स्क्वेयर कि हो गया 81, तो 3ABBCCA की वैल्यू गिवन कि 18।
तां आपां 81 चो जदों 54 माइनस करते, ठीक है, 81 माइनस 54 तो ये कितना आ जाऊगा अपने कोले 27। 27 नूं जदों 9 नाल मल्टीप्लाई करांगे तां आंसर कितना आ जाऊगा 243। ठीक है, ये एक्सप्रेशन नोट कर लियो क्योंकि डिपेंड करता है, इहदियां 3-4 एक्सप्रेशंस बनदियां, अकॉर्डिंगली आपां नूं देखना पैंदा आपां नूं डेटा की गिवन है। हुण डेटा दे हिसाब नाल आपां नूं की गिवन सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो ए बी बी सी तो सी। ठीक है, आप फिर उही वाली एक्सप्रेशन चूज की। नैक्सट क्वेश्चन है 71st, तो ये भी आप देख लिया सिंपल कि आप ए प्लस बी प्लस सी गिवन है, ए बी बी सी सी ए गिवन है, फिर आप उही एक्सप्रेशन ला देंगे क्योंकि पूछा की गया ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC। ठीक है, तो फिर आप करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, मैं फिर एक बार लिख देना, ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 AB BC ते सी ए। ठीक है, ये भी की है, ये एक्सप्रेशन ही है। ठीक है, इतने आ जाऊगा 8, 8 का स्क्वायर हो गया 64, ते 3 × 12 कितना आ जाऊगा 36, ते ये अपना आ जाऊगा रिजल्ट। हूँ 14 तो 6 घटाए तो किन्ने हो गए 8। ठीक है, दो हूँ 8 × 28 तो 8 नूं आपां 20 नाल गुणा करते हैं तो कितना हो गया 160, 8 नूं 8 नाल गुणा करते हैं तो कितना हो गया 64, तो कितना बन गया 224। सी ऑप्शन अपना आंसर। ठीक है, नोट डाउन कर लो तुसीं एक्सप्रेशंस, आ भी पहला वाले क्वेश्चन नाल दी है। ठीक है, हुण मैं डायरेक्टली कर देना सिंपल, इहदा 4 × 16 माइनस 3 × 2। ठीक है, ये कितना आ जाऊगा अपना 16 विचों आप 6 घटाते तो 10, तो आंसर कितना आ गया सी ऑप्शन। हार्डली वेख लो तुसीं, 2-4 सैकेंड ही लगे। हुण नैक्सट क्वेश्चन अपने कोल 73, तो ये आपां नूं की गिवन है ए प्लस बी प्लस सी 15, फिर ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर देता 83, तो पूछा फिर की उही एक्सप्रैशन। हुण आपां इहदे विच इहदी नवीं एक्सपेंशन कोई होर यूज करांगे। ठीक है, हाफ ये भी तुसी नोट कर लो, ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट 3 × ए प्लस ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वेयर। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, फिर स्क्वेयर ब्रैकेट स्टार्ट है 3 × ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर माइनस ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वेयर। बस आप जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, वैल्यूज अपने को की है, हाफ इंटू 15, 3 × 83, तो 15 का स्क्वेयर कितना हो गया 225। ठीक है, मैं डायरेक्ट ही लिखता, तो 3 × 83 कितना हो गया 249। 249 चो 225 घटाते आप ते किन्ना आ गया अपने कोले 9 विचों 5 घटाए 4 ते 24। ठीक है, फिर ये कैंसल हो जूगा, किन्ना आ जूगा 12, ते 15 × 12 किन्ने हो गए 180, जो कि बी ऑप्शन है। ठीक है, ये भी एक्सप्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप जो डेटा गिवन है ना बस वो हिसाब न ही आप एक्सप्रैशन लिखी हैं इतने, क्योंकि इतने ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन सी, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर की गिवन सी। प्रीवियस क्वेश्चन इतने की गिवन सी, ए बी बी सी सी। ठीक है, हुण नैक्सट क्वेश्चन है, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, सी की वैल्यू गिवन है, तो पूछा की गया ए क्यूब बी क्यूब तो सी क्यूब माइनस 3 ABC। ठीक है, वैसे तो मैं याद है कि आप डिजिट सम नाल भी किया, बट एक बार थोड़ा एक्सप्रैशन भी पता हो कि आप किवें यूज़ करेंगे। ठीक है, एक्सप्रैशन की फॉर्म से किवें यूज़ करेंगे, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट दे विच ए माइनस बी का होल स्क्वेयर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वेयर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वेयर। ठीक है, ये भी एक्सप्रैशन ही। हूँ आप तीन थर्ड एक्सप्रैशन है जो ये यूज कर रहे। ठीक है, हाफ इंटू ए प्लस बी प्लस सी, तो इन सारे का सम कि हो जूगा 20 60 हो गया, तो 9 ते 4 13 13 ते 7 20 80 बन गया। ठीक है, हूँ इतने की आ जूगा ए माइनस बी 29 चो आप जो 24 घटाते तो कितना आ गया 5,
ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस हूँ बी माइनस सी, मतलब 24 चौपा जो 27 घटावे तो कि आजू -3, पर -3 इतने मैं एज इट इज लिख जो स्क्वेयर होगा तो आपके प्लस का हो जाएगा, फिर सी माइनस ए 27 चौपा 29 घटावे तो कि आजूगा -2। ठीक है, इतने बाहर कैंसल करके कि आ गया 40, ये कि आ गया 5 का स्क्वेयर, 3 का स्क्वेयर, 2 का स्क्वेयर, फिर 25 ते 13 कितना हो गया 38, 38 गुणा 40, 8 चौका 32, 4 तीए 12 ते 3 15, ते 1520 की आ गया अपना आंसर। ठीक है, ये अपन थर्ड एक्सप्रेशन ये यूज की है, ये भी तुसी नोट डाउन कर लो। ठीक है, ये भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब एक्सप्रेशन ही है। हुण नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है जी, ये की गिवन है अपन ए इंटू बी इज इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस ab की वैल्यू आप फाइंड करनी है। दैन पूछा की है 3 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 3, ये आप करना है ए नू एक बार आप कंसीडर करेंगे 3, एक बार आप 5 कंसीडर करेंगे। ठीक है, इतने आप बस पुट कर देना, सिंपल जहा क्वेश्चन ही है, बस इन्ना क्या भी आपको पता होना चाहिए भी करना कि नहीं। ठीक है, 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, हूँ ये राइट दोनों नू बाद चपा पहले लेफ्ट हैंड साइड फिर राइट हैंड साइड, इतने आप ए नू 5 पुट किया तो 2 इंटू 5, 3 इंटू 3, 3 इंटू 5। ठीक है, 3 दूनी 6 ते 5 ती 15 प्लस का 15 इतने कट्टा जाऊगा लेफ्ट हैंड साइड तो आ गया 6, 5 दूनी 10 ते 9 ते 15 सज्जे पासों कितना आ गया 16, 16 ते 6 इहदा सम कर देंगे तो ए ऑप्शन अपना आंसर है। ठीक है, इहदे विच सिंपल आपां की करना सी, आपां एक बार ए नू आपां 3 मान लेना सी, बी नू 5, सैकेंड टाइम ए नू 5 ते बी नू 3, तो जिहड़े भी रिजल्ट आ जाएंगे उन्हां नू लास्ट ते उन्हां दा प्लस कर देना। नैक्सट क्वेश्चन है, हुण ए भी प्रीवियस क्वेश्चन वर्गा ही है, एक बार पॉज करके तुसीं भी ट्राई करिया करो। ठीक है, फिर ही थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डिवेलप होगी। ए की वैल्यू इतने आप 2 ते बी की वैल्यू 3, इतने आप ए की वैल्यू 3 ते बी की वैल्यू 4। ठीक है, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 3, दूजे केस दे विच 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4। ठीक है, ये कितना बन गया 4 ते 9, राइट लेफ्ट हैंड साइड ते आ गया 13, इतने कितना बन जूगा 6 ते 12, ये कितना बन गया 18, 18 ते 13 कितना आ गया 31, 31 अपना आंसर है। ठीक है जी, हुण अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इज एन इंटीजर, हाउ मैनी वैल्यूज ऑफ एन विल गिव एन इंटैग्रल वैल्यू। उन्हां दे कहण दा मतलब यह है भी एन दियां किन्नियां वैल्यूज भरीए कि आपां नूं पॉइंटां जां फ्रैक्शन च ना कुछ भी आवे। ठीक है, पूरी पूरी वैल्यू आ जाए तो आप पहला की करेंगे एन नाल सारे नूं डिवाइड कर लेने। ठीक है, इत्थे भी एन कट्टा जाऊगा, इत्थे भी एन कट्टा जाएगा। ठीक है, तो हुण आपां नूं पता भी एन दियां किन्नियां वैल्यूज पॉसिबल है, एक तो लैके कोई 6 तक ही आ सकदी, 0 तो आ नहीं सकती। तो आप इतने देखते हैं जे एन नूं आपां एक भरदे हैं तो इतने कि आ जाऊगा 6 ते 7 ते 16, ये पूरी वैल्यू आ जूगी, कोई पॉइंटां च तां नहीं जाऊगी। जे एन नूं आपां 2 भर दिए तो इतने कि आ जाऊगा 32, 7 ते 3, ये भी पूरी वैल्यू आ गई। जे आप एन नूं 3 भर दिए 16 ती 48 ते 7 ते 2, ये भी पूरी वैल्यू आ गई। जे एन नूं आपां 4 भर दिए, हुण जदों आपां 4 भरांगे तां तुसीं इह देखो जदों इत्थे 6 बटा 4 आऊगा ना तो पूरी वैल्यू नहीं आऊगी क्योंकि 6 है जिहड़ा वह 4 ते कट्टिया नहीं जाणा। ठीक है, फिर आपां 6 ही भर देंगे क्योंकि 5 ते भी की है इहदी वैल्यू नहीं पूरी पूरी कट्टी जाणी। जे आपां 6 भर दिंदे हां तां 16 गुणा 6 96, 7 ते 1, इत्थे भी की अपने कोल पूरी वैल्यू आ गई। ठीक है, यही पुछा सी तां किन्नियां वैल्यूज एन दियां पॉसीबल है, 4, जो कि है बी ऑप्शन। ठीक है जी, तो ए सी अपना पार्ट नंबर सिंपलीफिकेशन का 4, उम्मीद है तुहानू वधिया लग्या होगा क्योंकि आपां वैरायटी ऑफ क्वेश्चन करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट जिन्ने भी हो सकते हैं
वधिया तो वधिया क्वेश्चन, ठीक है। ये थोड़ा बहुत अपना अलजेब्रे का भी पोर्शन कवर कर लिया, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस एंड ऑल द बेस्ट।